तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एपिफिलियन वर्सेस पेरिफिलियन, यानी अपसोर वर्सेस उपसोर। अपसोर क्या है? जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस सिचुएशन में अर्थ जो होता है वो सूरज से मैक्सिमम डिस्टेंस में होता है, तो वैसे स्थिति को एपिफिलियन या अपसोर बोलते हैं, जो कि 4 जुलाई के दिन होता है। और वही पेरिफिलियन, जब सूरज से धरती की दूरी कम हो तो उसे पेरिफिलियन बोलते हैं, जो कि 3 जनवरी के टाइम होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरज के चारों ओर कोई सर्किल नहीं है जिसमें पृथ्वी घूम रही है। सूरज के चारों ओर एक अंडाकार पथ है, और उस अंडाकार पथ में भी एक पार्ट ऐसा है जो सूरज के करीब आ रहा है और दूसरा लंबा जा रहा है, दूरी तक जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, डिस्टेंस चेंजेस हो जाता है। तो उम्मीद है आपको एपिफिलियन और पेरिफिलियन बेहतर समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।